सवेली में क्या से क्या हो गया, उस छोटी सी नन्ही सी जान को लेकर ये लोग न जाने कहां जाते हैं। भले ही नाचने गाने का प्रोग्राम करती हूं, लेकिन मेरा भी धर्म बनता है कि छोटी सी जान को लेकर ये लोग जाते कहां है, मैं इनका पीछा करती हूं, उड़ देती हूं कि कहां लेकर। लंबो, एक काम कर, मुझे एक बात याद आ गया। लंबो, अरे मुस्कान रही है छोटी सी बिटिया, मेरी बात सुन। जमींदार ने कहा इस बच्चे को ले जाकर जंगल में कत्ल कर दो, लेकिन कत्ल करने से पहले मैं क्षत्रिय हूं। हाँ सही बात है, मैं पाप नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक। इसलिए मुझे एक बात याद आ गया। कौन सी बात है? कंस महाराज की बात याद आ गई। कंस महाराज के हाथ से कन्या छूट गई ये। और उसने आकाशवाणी किया कि तुझे मारने वाला तेरा काल गोकुल में पैदा हो गया है, इसलिए हम अपने हाथ से कत्ल नहीं करेंगे। जंगल का मामला है, इसी जगह छोड़ दे, अनेक जानवर भूखे सो जाते हैं और जब सोकर उठते हैं तो उन्हें भोजन नहीं मिलता है, शेर दहाड़ते हैं, अगर वो जाकर आएंगे इस बच्चे को मांस को नोच करके खाएंगे फिर भी सवाब मुझे मिलेगा। तो यार हमारे समझ में नहीं आ रहा यार, नान भरे के लड़का हो, अरे की माँ का बूसट मारी मूत मार दिया। आपका सोचना क्या है, ये पेशाब कर देगी, टट्टी कर देगी, लिटा दो इसी जगह, लिटा लिटा करके मेरे साथ आओ। लंबो, ए लंबो, ठीक रुकना ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि शेर चीता दहाड़ते ही डर भी लगता है। आवे पेल के चलो, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम लोगों के दिल में इतनी बड़ी बातें हैं। मैं तो समझती थी कि आप लोग एक देवते की तरह रहते हैं, आपको आपकी रियाया भगवान की तरह मानती है, लेकिन तुम एक नन्ही सी जान के लिए नहीं हुए। कोई बात नहीं, इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगी, पालूंगी इसे, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी अच्छी तरह से, इसका लालन पालन करूंगी और अपने नाच गाने से इतने दूर कर दूंगी कि नाच गाने की परछाई इसके तक नहीं पहुंचेगी। और हाँ, एक दिन तेरी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, भले लोग मुझे लंडी बोलते हैं, नाचने वाली बोलते हैं, लेकिन आज की बात सारे धंधे मैं बंद करती हूँ, सारी जिंदगी तेरे ऊपर कुर्बान कर दूंगी, लेकिन तेरे ऊपर नाचने गाने के आज नहीं आने दूंगी। के अपनी भी जिंदगी में अरे खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
आ गया। ठाकुर रघुवीर सिंह का बेटा आज 18 वर्ष का हो गया है। फार्म हाउस पर देखिए माँ बेटे आपस में क्या बात करते। अभी मेरा बेटा अमल स्कूल से नहीं आया, न जाने कितनी देर हो गई। मेरे लाल माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? बैठे हैं बतला रहा हूँ। अरे बात जुग जुग बेटा अरे तुम अरे जुग जुग बेटा तुम बेटे के लिए यही दुआ करती है कि मेरा बच्चा सदा खुशहाल रहे, उसकी जिंदगी सलामत रहे, उसके जीवन में खुशियां आए। यही माँ, हर माँ अपने बेटे के लिए दुआ करती है बेटा। लेकिन माँ, पिताजी नजर नहीं आ रहे, कहाँ पे हैं? चिया बेटा, तुम्हारे पापा इस समय नौकरों का हिसाब कर ले गए। जिया बेटा अमन, ये पिताजी ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी यही हमारी बहुत अच्छी तरह चल रही है। अच्छी बात है, अच्छी चलना भी चाहिए। वैसे प्रिय सपना, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अखिल स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? We'll be right back.
शिकार खेलना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ सुना नहीं। जैसे आपने शिकार खेलने के लिए कहा, जैसे ठीक हो गई। क्या कहा? जैसे मैंने शिकार के लिए कहा वैसे सामने ठीक हो गई। ठीक का होना क्या बुरा होता? क्या हाथ को जोड़ती स्वामी जी आपके, हाथ को ठीक हो गई तो इसलिए मैं शिकार पे न जाऊं। शांति हो जी, स्वामी जी हम क्षत्रिय हैं। सुनो, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो ठीक का खौप खाते हैं सपना वही, मर्द में का है जिनमें असर ही नहीं। हम है क्षत्रिय के बालक और लड़े काल से, मरने का हमको खौफ हो। हम है क्षत्रिय के बालक और लड़े काल से, मरने का हमको खौफ हो। ने कहा है अगर किस्मत खराब हो तो सब कुछ हो जाता है, फिर भी मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। तो चलता होगी किसी का नहीं, अगर किस्मत खराब है तो समझो सब खराब है। चलता होनी से चारा किसी का नहीं, होनी के बस में तो पार रणधीर।
बेटा अमन तुम अपनी माँ को समझाओ। तो साथ मैं भी चलूं ले ले बंदूक को, साथ मैं भी मेरे साथ चलो। लायक नहीं है, इसलिए मेरा कहना मानो, अपनी मां के साथ फार्म हाउस में रहो। जैसे आपकी आज्ञा होती है। अच्छे वक्त पे आ गए तुम। ये कौन बच्चा है, पहचाना नहीं आपने? इसलिए तो मैं सोचा सरकार, अरे ये वही हमारा बेटा अमन सिंह है, आज सयाना हो गया है। ये आपका बेटा, इसका शुभ नाम? इसका नाम है अमन सिंह। अमन सिंह? जी हाँ। छोटे सरकार, जब बिल्कुल बच्चा था तभी मैंने देखा, अब तो सयाना हो गया है। और बेटा अमन, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, मतलब तुम्हारे दादाजी के परम मित्र हैं। गले में बेटे, ये तो मुझे अच्छी तरह मालूम है बेटे कि अब जवान हो गया है तो मुझे भी उठा लेगा। खैर कोई बात नहीं है। नहीं भाई, उठा तो ले तुमका, इतना ऊंचे उठा ले कुछ कहे के बात नहीं। नहीं नहीं, वो तो बात नहीं। यार भैया उनसे जो मिले उनसे के मिले, अरे इन्हो बाकी है, इन्हो से मिल लो बेटे, मिल लो। जत्ता सिंह, तुम अच्छे मौके पे आ गए। मैं बड़े वाले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूं। अच्छा, जैसे मैंने शिकार का नाम लिया सामने से छींक हो गई। सपना कह रही है कि सामने की छींक खराब होती है, इसलिए आज आप शिकार खेलने न जाएं। और हम क्षत्रिय हैं, ये छींक क्या है, कुछ नहीं होता। नहीं, जो करता है वाला करता है। छोटे सरकार, अर्धांगिनी का कहना आपको स्वीकार करना होगा। इस तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं शिकार पे ना जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। जद्दा सिंह, हम क्षत्रिय खानदान से हैं, एक बार जो मन में ठान लेते हैं उसे करके रहते हैं। अपना इधर आओ। प्रणत, हम तुम्हें कुछ समझाना चाहते हैं। अब क्या समझाना चाहते हैं? सुन सुन गोरिया, सुन सुन गोरिया, आइल बा खबरिया, सुन सुन गोरिया, आइल बा खबरिया, सीमावा पर पड़ गईला भी
के लड़ाई के जायका पारी है गुजरिया, हम के लड़ाई के जायका पारी है गुजरिया, बांधा करे जवा में धीर हो, हम के लड़ाई के जायका पे जाना है और मैं जाऊंगा, तुम अमन को समझा के रखना, और मैं वादा करता हूं कि मालिक ने चाहा तो सूरज डूबने से पहले हम फार्म हाउस आ जाएंगे। सूरज डूबने से पहले आप जरूर चले आना, जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं खाऊंगी खाना। चिंता मत करो, मालिक ने चाहा तो मैं बहुत जल्द आऊंगा। बेटा अमन अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूं, जरा अमन को समझा के फिर तुम जाना। दादाजी देखिए तुम्हारे पापा जी शिकार खेलने गए हैं और आपको मेरे हवाले करके गए हैं, यानी ये भी कह करके गए हैं कि मम्मी का ख्याल करना और मम्मी आपका ख्याल करेंगी। लेकिन चाचा जी हाँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे अमन क्या कहना चाहते हो बोलो। चाचा जी मैं भी एक छतरी के लाल हूँ। हाँ। कौन कह रहा है कि छतरी के लाल? मेरे भी रंगों में छतरी का खून है, सत है। मैं भी शिकार करना चाहता हूँ। जानना चाहते हो? जी चाचा जी। लेकिन बेटे अमन अभी तो आपकी आयु बहुत कम है। जी चाचा जी, घोर तमन्ना दिल में मेरे है, अमन सिंह नाम मेरा, खेलन जाऊं मैं शिकार, दिल में है तमन्ना मेरा। बेटा मन कहिए माता जी। छोड़ सब बातें और चल के खाना खाओ, मेरा कहना मानो, तुरंत कॉलेज जाओ, चलो यहाँ से। Thank you.
कभी वापस आया कि नहीं आया। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बड़े ठाकुर कहिए, जिस काम के लिए गया था वो संदेशा तत्काल में लेकर आपके पास आया हूँ। क्या खबर लाए हो? छोटे सरकार, आपके छोटे भाई। क्या हुआ? मर गया। मेरा भाई मर गया क्या? ना 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 ना, ये कौन कह रहा है? क्या हुआ? आपके छोटे भाई इस वक्त शिकार खेलने जा रहे हैं। क्या कहा? अच्छा है, शिकार खेलने जा रहे हैं। गाँव का अच्छा है, आप जाने आपका काम जाने, मैं नहीं कह रहा हूँ। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बोले जमींदार साहब। और जनता सिंह